आगाज़ हुआ मक्का सफ़र मदीना सफ़र के बाद। भाई भाभी पाकिस्तान से आए हुए थे और हम यहाँ रियाद से गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने से मक्के का सफ़र और ये हमारा रूम था। उसके बाद हमारा जो है उमरा रात का ही था, तो हम उसी दिन रात में 8 बजे पहुँचे थे। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उमरा अदा किया था, तो ये अभी हम उमरे के लिए जा रहे हैं। बस ने हमें यहाँ उतार दिया था, फिर यहाँ से हाजी जो है पैदल उमरे के लिए सफ़र करते हैं आगे की तरफ मस्जिद हराम की तरफ। तो ये थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ जाते हैं और फिर थोड़ा सा सही आता है, फिर थोड़ा सा ऊँचाई आती है इस तरह। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम उमरे के लिए पहुँच गए। अच्छा, जब हमने सही कंप्लीट की और हम बाहर की तरफ सहन की तरफ निकले तो एक अलग ही मंज़र हमें नज़र आया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं सब अंग्रेज़ जो नए नए मुसलमान हुए हैं और इनको गाइड करने वाले भी इनके साथ थे, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि ये भी उमरा अदा करने आए हुए थे और बहुत ही अकीदत के साथ उमरा कर रहे थे अपना और अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहे थे वहाँ सबसे। तो ये बहुत अच्छा लगा। बाकी हम फिर सहन से बाहर आ गए थे, सहन की तरफ आ गए थे, और ये शाल जो है यहाँ पे बस ये चेयर के साथ खेल रही थी, ये मेरे भाई की बेटी है। तो यहाँ से भी माशाल्लाह जो है मस्जिद अल हराम अल्हम्दुलिल्लाह। इस गेट से हम अंदर जाते हैं उमरे के लिए, गेट नंबर 79 से। तो यहाँ से देखें आपको जूम करा है मैंने, नज़र आ रहा है काबा नज़र आ रहा है। चप्पलें उन्होंने फेंक दी, इन दोनों ने हमारे अपने लिए चप्पलें खरीदी थी और जो है मगर पहना हमें नहीं, और ये दोनों बेचारे नंगे पांव जा रहे हैं। ये हमारे कमरे से दिन का व्यू और ये हमारे कमरे से रात का व्यू क्लॉक टावर नज़र। अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारा फर्स्ट उमरा कंप्लीट हुआ।